हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब ना यार, एंड जो बाजू वाली बेल है उसको भी दबा देना ताकि जब भी मेरा नया वीडियोस आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो गाइस, मैं और एक चीज़ ख्याल कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देख तो रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए और भी अच्छा कुछ कंटेंट ला पाऊँ। आप लोगों का साथ नहीं होगा तो मैं चल कैसे पाऊँगी, है ना। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज मुझे थोड़ा व्लॉग बनाने का मन हुआ क्योंकि बहुत दिनों से मैं वर्कआउट सीरीज़ आप लोगों को दे रही हूँ, तो आज मुझे लगा थोड़ी ब्रेक लेती हूँ सीरीज़ से। डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगी। आज के लिए मुझे लगा कि थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि बाहर जो मौसम है एकदम औसम है, तो बारिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद बारिश आया और एक ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोमांटिक वेदर है। और इस टाइम मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मन होता है वो है बहुत चटपटा कुछ खाने की, ये बनाओ वो खाओ ऐसा, मतलब रियली आई एम वेरी फूडी। तो मुझे लगा कि चलो पूरे दिन में क्या कर रही हूँ यही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए, ज़्यादा बात किए बिना चलते हैं मेरे किचन पे। आज मैंने खुद के लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेट्स गो टू माई किचन। सो टुडे आई एम गोना मेक ब्रेड पिज्ज़ा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन कीमा, थोड़ा सा प्याज, बेल पेपर एंड थोड़ा सा गार्लिक। यहाँ पे मैंने ले लिया है बेस के लिए रेड हॉट चिली सॉस और साथ में मैंने ले लिया है होल व्हीट ब्रेड एंड चीज़। यहाँ पे मैंने चिकन को सबसे पहले थोड़ा सा सौते कर लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। तेल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक। नाउ आई एम एडिंग चिकन कीमा। अच्छी तरह से कुक होने के लिए मैं इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। नाउ माई चिकन कीमा इज रेडी और मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब मैं एक एक करके इसके ऊपर प्याज, बेल पेपर एंड सॉटेड चिकन डालूंगी और फिर इसके ऊपर डाल दूंगी एक स्लाइस चीज़।
अब बारी है इसको तवा में डालने की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लेती हूँ। आप चाहो तो ऑलिव ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हो। नाउ माई पिज्ज़ा इज रेडी टू बी बेक्ड। नाउ मेक श्योर योर कवर विल बी एयर टाइट। और गाइस यहाँ पे मेरा पिज्जा इज रेडी। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करके नहा धो के आ गई हूँ। और ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने वर्कआउट किया था। आज मैंने पिलाटेस किया क्योंकि कल मैंने जुम्बा किया था, इसलिए आज कुछ और करने की मन नहीं हो रहा था। तो ट्राइड पिलाटेस टुडे। तो आज जो मैंने शैम्पू यूज़ किया वो है ये मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू। ये हेयर, जिनका हेयर डैमेज्ड है, डैमेज्ड हेयर रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है ऑब्वियसली, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने की नसीब मुझे अभी तक नहीं आया। बाय द वे, तो ये जो न्यू लॉन्च्ड है ये राइस वाटर शैम्पू और एक न्यू लॉन्च्ड है एप्पल साइडर विनीगर शैम्पू, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट इसको मैंने ट्राई कर लिया। तो चलिए अब बारी है थोड़ा सा सीरम लगाने की, क्योंकि आज मैंने कंडीशनर नहीं लगाया। मैं सीरम लगाऊंगी, वैसे कंडीशनर लगाने के बाद भी मैं सीरम लगाती हूँ। और मैं ज़्यादा हेयर केयर वैसे कुछ करती नहीं हूँ, बस एक आंवला भृंगराज हेयर पैक है मामा अर्थ का, वो कभी कभार टाइम मिले तो लगा लेती हूँ, वरना और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ये बस शैम्पू, ऑनियन हेयर ऑयल मामा अर्थ का ही। मैं हेयर केयर प्रोडक्ट सब कुछ, मैक्सिमम चीज़ें मैं मामा अर्थ का यूज़ करती हूँ और ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए अब मैं सीरम लगाऊंगी। यह है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल हेयर सीरम और इसको मैं लेती हूँ बस ये दो बूंद, इनफ फॉर माय हेयर। और ध्यान रखना ये वेटी हेयर में लगाना पड़ता है। अगर आपका बाल थोड़ा ड्राई हो जाए तो यू कैन स्प्रे वाटर। और सीरम कभी स्कैल्प पे नहीं लगाना। तो हो गया मेरा हेयर केयर यहीं तक। तो अभी मैंने सोचा कि कुछ लंच भी बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। वैसे तो हर दिन मम्मा को जो आंटी हेल्प करती है कुकिंग में वही बनाती हैं और एक ही टाइप का खाना बनते रहते हैं। तो मैंने आज सोचा कि कुछ अलग तरीके से, अलग तरीके से वैसे कुछ नहीं, एक इजी ही और सिंपल सा ही आइटम बनाने की सोचा मैंने। वो है हमारी बंगाल का जो फेमस डिश होता है फ़िश करी। हाँ, तो फ़िश करी बनाऊंगी मैं। मैंने मम्मा को बोला कि चलो मैं फ़िश करी बनाने आती हूँ नहा धो के। तो मम्मा ने बोला ठीक है चलिए, चलिए फिर से चलते हैं मेरे किचन पे और बनाते हैं फ़िश करी। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल बंगाली डिश फ़िश करी। और फ़िश करी के लिए मैंने फ़िश को फ्राई करके, रूही फ़िश था, फ़िश को फ्राई करके अलग से रख दिया है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अब मैं कटे हुए आलू को यहाँ पे फ्राई करूँगी।
फ्राई करते वक्त मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया। आलू लगभग 70% फ्राइड हो चुका है। आलू फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा और मस्टर्ड ऑयल ले लिया। तेल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काला जीरा, होल क्यूमिन सीड्स, नाउ आई एम एडिंग ऑनियन। लिटिल बिट सॉल्ट। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट। नाउ आई एम एडिंग सम जिंजर पेस्ट। टमाटोज थोड़ा कुक्ड हो जाए इसलिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ। टमाटोज यहाँ पे कुक्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दो हरी मिर्च डाल देती हूँ। आई एम एडिंग लिटिल पिंच ऑफ टर्मरिक, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए। अब मैं फ्राइड आलू को यहाँ पे मसाले के साथ डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी। नाउ आई एम एडिंग लिटिल मोर वाटर टू बॉयल द पोटैटोज। पोटैटोज बॉइल्ड होने के बाद मैं यहाँ पे फ्राइड फिश ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर उबालने के बाद मेरा फिश करी इज रेडी। एंड आफ्टर लंच दही इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेजर्ट फॉर मी विथ मिश्री। गुड आफ्टरनून गाइस। लंच करने के बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा बहुत काम था मेरा इसलिए। तो अब मैं छत पे आ गई हूँ। 5:30 बज गए और साथ में मेरा चाय भी है। आज मैंने ग्रीन टी ली। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि शाम भी हो रहा है और मुझे मेरे बच्चों को खिलाने जाना भी है, इसलिए व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बताना ज़रूर कि कैसा लगा, लाइक करना ज़रूर। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, सतर्क रहे, मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करे और क्या, बस कुछ प्रिकॉशंस मान के चले ताकि स्वस्थ रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।